आपको सिंपली पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद कैंसिल में क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना है एंड इसको पूरा कट कर देना है। एंड मैंने कॉपी पहले से ही साइड ही किया हुआ था एंड आपको इसको बराबर में फिट कर देना है। फिट कर देने के बाद वैसे आपको थोड़ा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद वैसे आपको इसमें क्लिक कर देना है, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में चल जाना है। फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद वैसे आपको ये वाला फ़ॉन्ट ले लेना है। ये फ़ॉन्ट ले लेने के बाद वैसे आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, टेक्स्ट में क्लिक कर देना है, नीचे में आना है, पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना है, कट कर देना है। कट कर देने के बाद वैसे आपको एटीट्यूड वाला ले लेना है एंड आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना है। अगर यहाँ चाहो तो अपना इंस्टा नेम भी डाल सकती हूँ, अगर डालना चाहो तो। ऐसे डाल दो गाइस। उसके बाद गाइस आपको जाना है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में। फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद गाइस आपको ये वाला फ़ॉन्ट ले लेना है। ये फ़ॉन्ट लेने के बाद गाइस आपको कलर वाले सेक्शन में चल जाना है, रेड ले लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने मनपसंद से कोई भी एक कलर, सॉरी गाइस पूरा बैग होगा, कोई भी एक कलर ले सकते हो अपने मनपसंद से। एंड देन उसके बाद गाइस आपको सिंपली गाइस आपको शैडो में डाल देना है। शैडो में डालने के बाद गाइस आपको इसको भी शैडो में डाल देना है एंड इसको भी शैडो में डाल देना है। शैडो में डालने के बाद गाइस आपको इधर आना है, 3D शैडो में डाल देना है, फुल कर देना है गाइस। देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे आना है एंड आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है एंड शेडोड में क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज में क्लिक करना है, सेव टू क्लियरिंग, तो आपका PNG शायरी बन जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको एक ऐप चाहिए VN, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आसानी से, VN ऐप लिखना गाइस। तो वहाँ पे मैं ले चलता हूँ, ऐप का नाम है VN। तो ये है गाइस VN ऐप एंड सिंपली आपको VN ऐप में ओपन कर लेना है एंड प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है एंड आपको एक तो गाइस आपको सिंपली अलर्ट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करने के बाद गाइस आपको ब्लैक स्क्रीन लेना है, क्रैक पोर प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है एंड आपने जो PNG शायरी बनाया था गाइस आपको वो ले लेना है। कम से कम इसको गाइस आप 6 से 7 मिनट की रखें, वो 6 से 8 सेकंड की रखें एंड आपने जो वॉलपेपर है गाइस आपको इसमें पूरा शायरी वाले लेयर में चल जाना एंड आपको थोड़ा ऐसे रख देना, ऐसे रख देने के बाद गाइस आपको इसको बराबर फिट कर देना है। फिट कर देने के बाद गाइस आपको इस वाले आइकन में क्लिक करना है, स्ट्रोक ले लेना है एंड इसमें वाइट वाला ले लेना है। वाइट वाला ले लेने के बाद गाइस आपको सिंपली ऐसे कर देना है एंड गाइस आपको कॉर्नर में क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट में क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको उसको डाउनलोड होने देना है एंड देन सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद गाइस आपको VN ऐप ओपन कर लेना है। VN ऐप ओपन करने देने के बाद गाइस आपको सिंपली आप डाटा ओपन कर लेना है, इस पीक में कर देना है एंड न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है एंड
एंड आपने जो बनाया था गाइस वो ले लेना है। लाइट मोशन ऐप से जो बनाया था आपने, सिंपली आप दीजिए है गाइस, आप इसको डिलीट कर देना। डिलीट कर देने के बाद आपको दिख रहा हूँ ये PX, आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ में से एक कलर वो ले लेना है, ये वाला कलर ले लेना है। एंड इसको कट कर देना है एंड आपको फिर से जाना है जिसमें भी कलर डाल देना है। इसको भी थोड़ा कट कर देना है एंड इसमें भी आपको ये डाल देना है। एंड आपको दिख रहा होगा ये अलग वीडियो, आप सिंपली इसको सेव कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।